crack. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, मोदी सरकार की बात की जाए, मज़ालिम की बात की जाए, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पर अक़लियतों के साथ और मुसलमानों के साथ बिलखुसूस। और साथ ही अनोखा मामला आज जो है वो सामने ये आया है कि जो मोदी सरकार है उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए उधर के शहरी जो है वो यहाँ पर आकर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे थे। साफियों से बात हुई, दो भारतीय शहरी जो हैं वो पहुँचे हैं पाकिस्तान और उधर ये बात हो रही है। जब साफियों उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं और कहां से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि जी हम वहां पर अपने मजालिम जो मुसलमानों पर हो रहे हैं उनको छोड़ छाड़ के उसकी वजह से इधर पाकिस्तान आए हैं। और बड़ा ही अग्रेसिव होकर उन्होंने बयानात दिए हैं। मामला क्या है इस हवाले से हमारे चीफ रिपोर्टर हैं असद जैदी, उनसे पूछ लेते हैं। असद साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास, ये एक अजीब और गरीब वाकया सामने आया है। जी देखिए, पहले तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि कश्मीर में जो भी मजालिम हो रहे हैं वो दिखाए भी जाते रहे और कई सालों से उस पर बात भी होती रही, लेकिन अब तो खुद इंडिया से, भारत से बाकायदा तौर पे दो बाप बेटा, वालिद जिनका नाम मोहम्मद हसनैन, उम्र 71 साल, और फिर अपने साहबजादे को लेकर 31 साल अपने साहबजादे को लेकर पहुंच गए कराची। पहले तो इनके पहुंचने का जो तरीकेकार था वो बिल्कुल अनोखा था कि उन्होंने तवील सफर तय किया, फिर अफगानिस्तान गए और फिर गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में दोनों बाप बेटा पहुंच गए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो कहाँ गए, तो वो सबसे पहले कराची आए। कराची आने के बाद वो ईडी होम्स गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी रवादात सबको सुनाई, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने भी जब उनसे बात की तो उनका कहना ये था कि हम तंग आ चुके। एक तरफ तो सिर्फ ऑल गुड की तस्वीरें दिखाई जाती है, लेकिन जो हम पर बीत रहा है, इंडियन शहरियों पर बीत रहा है, वो हमसे पूछिए। एक तरफ मजहब के नाम पर मजालिम, दूसरी जानिब जमीन तंग कर दी गई, तीसरी जानिब कभी किसी चीज को बुनियाद बनाकर हमारे मजहबी अकायद को छेड़ा जा रहा है, और अगर उसके ऊपर आवाज उठाई जाती है तो फिर जुल्म तशद्दुद जो है वो फिर रियासत करती है। तो एक मकरूहा चेहरा भारत का, जो पहले सिर्फ कश्मीर की हद तक था जहां पर मजालिम की एक इंतहा थी, वो अब जो शहरी बिलबिला उठे और मुल्क छोड़ के, और जो ये ऑल गुड इंडिया का एक झूठी तर्जमानी इंडिया का नहीं, अभी तो असद जही साहब, अभी तो कनाडा में जो इल्जाम लग रहे हैं और जो मामला सामने आ रहे हैं, अभी तो वो गले पड़ा हुआ था। सिख बिरादरी पूरी की पूरी जो है वो सरापा एहतजाज और गुस्से में दिखाई देती, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब यहाँ पर आके मुसलमान तो क्या क्या समझते हैं, कुछ और बातचीत हुई, क्या बताया, क्या करना चाहिए मोदी सरकार? जी देखिए, इससे पहले तो जो कनाडा में हुआ और फिर वहां पर जो सिख रहनुमा कत्ल हुए, उनका बराए रास कनाडा की हुकूमत ने जब सफीर को इनके धक्के देकर निकाल दिया अपने मुल्क से और कहा कि आप मत आना, तुम बराए रास मुलविस हो, इनके दो जो कत्ल हुए उसके अंदर, और फिर G20 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही सब कुछ सामने आया और इनके खिलाफ बातें हुई। उसके बाद जो चीजें इंडिया में चलती हैं, खालिस्तान, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, अकलियतों की बात नहीं करेंगे, वही तो कह रहा हूं ना, सिर्फ मुसलमान नहीं, सारी अकलियतें जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, खालिस्तान की बात हमें बहुत अरसे से सुनाई देती है भारत के अंदर, और सिख इन मजालिम से तंग आकर जो सिख कम्युनिटी है वो आवाज बुलंद करते भी दिखाई देते हैं, और हजारों लाखों की तादाद में एक तरफ मुसलमान है तो दूसरी जानिब वो भी एहतजाज करते दिखाई देते। लेकिन देखिए कि क्या इन पे जुल्म हुए होंगे, जो ये जहां पैदा हुए, जहां बड़े हुए, जहां इन्होंने सब रिश्तेदार रहते हैं, जहां सब कुछ इनका था, उसको छोड़कर पाकिस्तान आ गए, और आकर जब इनको सिक्योरिटी इदारों ने पूछगुछ की तो उनका सिर्फ एक ही मौकफ था कि हमारे साथ जो कुछ करना है यहां कर लें, लेकिन हमें डिपोर्ट करके वापस उन जालिमों के हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मुश्किलों से, और फिर रास्ते की मतलब जाने को तैयार नहीं है, ये जो बाप बेटे आए हैं वो जाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। मगर ऐसा कानूनन तो नहीं हो सकता, उनको तो भेजना पड़ेगा वापस, फिर क्या होगा सर तरीके का?
जी देखिए, अभी तो क्योंकि तहकीकाती इदारे पहले इनके बारे में, एक तरफ तो वो चीजें जो हमारे सामने हैं उनके इंटरव्यूज और जो उन्होंने सहाफियों से बात की वो है, दूसरी तरफ तहकीकाती इदारे भी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े लेवल पर मुल्की सतह पर कोई चीज होती है तो फिर उसके लिए सफारती तौर पर बात की जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि ये पहले भी ये सब कुछ करते रहे और अब उसका मकरूहा चेहरा जो ये इनके कारिस्तानी है, एक तरफ मैं बात दोबारा कहूंगा कि कश्मीर में ये जुल्म गाते रहे तो अब अपने जो इनके रिहायशी हैं वो उनके उनकी ये जो मजलूमों की आवाज है वो फिर एक दफा दोबारा शुरू हो गई और वो अपने मुल्क छोड़ने पे मजबूर है, तो तीसरी जानब जो मुल्की सतह पे इनके ताल्लुकात है सिफारती ताल्लुकात वो भी हमें खराब होते दिखाई देते हैं, उसमें भी डायरेक्टली इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एजेंट्स हैं एजेंसीज के, इनकी प्राइवेट एजेंसीज के और सरकारी एजेंसीज के, और उनको फिर निकाल दिया जाता है कनाडा से, तो सेम वही पोजीशन। और अब देखना यह है कि सिफारती तौर पर क्या पाकिस्तान स्टैंड लेता है, क्योंकि जो बाप बेटा वहां से आए बिल्कुल उनको नहीं रख सकते, आप डिपोर्ट करना होगा, लेकिन क्योंकि यह भी एक कानून है कि अगर कोई आपसे आकर शेल्टर मांगता है और फिर वो उस शेल्टर के तहत क्या मैं जान की अगर किसी को हो कि इसकी जान जाने का खर्चा है तो उसकी शेल्टर जरूर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले तमाम कानूनी जितने भी नकात हैं उनको पहले हल किया जाता है। तो आज जो ये वाकया पेश आया वो खुद पहुंचे और उसके बाद जिस अंदाज से पहुंचे और फिर उन्होंने आकर जो पाकिस्तानी हुकूमत से बात की और सिक्योरिटी इदारों से बात की, उनका सिर्फ एक मौकफ है कि जो कुछ मर्जी कर रहे लेकिन हमें इंडिया मत भेजिएगा, जो हमारे साथ वहां हो रहा है वो यहां पे आप लोग चाहे हम साया मुल्क और कभी वो कुछ नहीं करेंगे जो वो हमारे साथ वहां रहते हुए कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज एक और बार इंडिया का मकरूहा चेहरा नजर आ गया है और फिर अब एक दफा फिर पूरी दुनिया के सामने ये चीज आ गई है कि वहां पे रहने वाली अकलियतें हों या बड़ी तादाद में मुसलमान हो या सिख हो, वो तमाम इंडिया के मजालिम से परेशान है और जो इंडिया की हुकूमत इस वक्त मोदी सरकार वहां है वो सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रही है जो सिर्फ अच्छा है, लेकिन जो मजालिम वो डाल रहे हैं वो सिर्फ उसको छुपाकर बाकी तमाम चीजें दिखाने में मसरूफ दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया असद जैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक अजीब मामला सामने आया है जिसके ऊपर लोग भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हो साथ में कि ये क्या तरीकेकार है कि किस लेवल पे जाके जो है वो वहाँ पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, मतलब सबके सामने चीज़ें सवाल उठ रहे हैं, मतलब कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर उसकी जो अपनी अकलियत है वो परेशान दिखाई दे। तो यकीनी तौर पे जो यहाँ पर आए हैं लोग उनसे तहकीकाती इदारे भी तहकीकात कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो सामने आई थी जिसके अंदर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की गई थी, तो वो भी जो है वो सुनने वालों ने भी हैरानी का इजहार किया कि जिस शिद्दत का इजहार वो कर रहे हैं वो भी देखने लायक है कि उनका ये क्लेम है कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा और हम अब तंग आ चुके हैं, जो करना है वो कर दें आप मगर हमें वापस ना भेजें, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहरहाल सामने आई है और इसके ऊपर यकीनी तौर पे काम भी किया जा रहा होगा। तहम नाजरीन हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर लौटते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कराची में स्मगलिंग को लेके, उसके ऊपर बात करेंगे और हम कंसर्न अथॉरिटी से भी रब्ता करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ब्रेक थ्रू है मुश्तरक तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बैठ रही हैं और एक बहुत बड़ा लायमल बनाया जा रहा है, क्या होगा उसके ब्रेक के बाद आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं।